अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पिछले 10-12 वर्षों की बात किया जाए तो जो पीक डिमांड होती थी वो मैक्सिमम 18 से 20,000 मेगावाट की हुआ करती थी। पिछली साल वो रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन पिछली साल फिर भी 27,000 मेगावाट को डिमांड पार नहीं की थी। इस बार गर्मी की शुरुआत से ही पिछले कई सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि 27,000 मेगावाट को भी बिजली की मांग पार कर चुकी है और वर्तमान में 27,610 मेगावाट कल रात का जो हमारा फिगर है कि वो पीक डिमांड हमारी रही है, जो अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। पिछले सालों के पीक की बात किया जाए तो ये जो पीक होता था, एक तो बहुत कम होता था, दूसरा बहुत कम समय के लिए होता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए वो पीक डिमांड आती है और फिर नीचे चली जाती है। इस बार धान में जो बिजली की चुनौती है उसे हम अच्छे से हम इसको पार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 6 घंटे वैसे ही बिजली की 18 घंटे का हमारा रोस्टर था, लेकिन कई बार अनुभव में आता था कि 6 घंटे तो रोस्टर के हिसाब से बिजली कटती थी और बाकी के 2-3 घंटे स्थानीय फॉल्ट के कारण बिजली कई बार कट जाती थी। कल हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब वो जो स्थानीय फॉल्ट के कारण जो 6 घंटे के उपरांत अगर कटती है बिजली तो वो स्थानीय ढंग से पूरा किया जाएगा, कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाएगी। उसी प्रकार गरीब उपभोक्ताओं के लिए कई बार उनको अपना कनेक्शन चालू रखने के लिए बिजली का बिल दे पाना मुश्किल होता है। हमने पिछले साल ही ये व्यवस्था कर दिया था कि 100 रूपया देकर के भी आप अपना कनेक्शन चालू रख सकते हैं। साथ ही कल हमने एक ये भी निर्णय लिया है कि अगर किसी का कनेक्शन कट गया है, टेम्पोरिली कट गया है, तो पहले हमारा नियम था कि 25% बकाए का जमा करेगा, तब उसको हम लोग रिकनेक्ट करेंगे, फिर से जोड़ेंगे। कल उसमें सुधार करते हुए हमने कहा है कि मात्र 100 रूपया जमा कर देगा वो व्यक्ति तो भी उसका कनेक्शन पुनः चालू कर दिया जाएगा। ये हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि अगर निर्दोष उपभोक्ता है, वेल मीनिंग कंज्यूमर है, उसको अनावश्यक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो आज नहीं तो कल पैसा भर ही देता है। जहां तक डिफॉल्टर्स की बात है तो जानबूझ करके या तो बिजली बिल जमा करने में बदमाशी कर रहे हैं या बिजली के कंजम्पशन में बदमाशी कर रहे हैं, लोड कुछ लिया हुआ है और अनर्गल रूप से उस लोड के सामने बिजली का उपभोग कर रहे हैं या बिना कनेक्शन लिए हुए बिजली का उपभोग कर रहे हैं, उन सारे लोगों पे हमारी सख्ती जो है चालू रहेगी। किसी भी प्रकार की हम ढील देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो लोग हमारी पूरी व्यवस्था को डिरेल करते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर एक क्षमता का लगा होता है, हमारा फीडर एक क्षमता के लिए बना होता है, और जब ऐसे अनधिकृत कनेक्शन वाले लोग कटिया मार करके या इधर उधर से जब बिजली का उपयोग करने लगते हैं तो हमारी वो क्षमता जो है एकदम निष्फल हो जाती है, बेकार हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर जलने की परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। तो ये सब निवारने के लिए जहां सही उपभोक्ताओं को हम लोग आसान किस्तों में बिल देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं अनधिकृत उपभोक्ताओं पर हमारी लाल आंख और हमारी सख्ती की कार्रवाई जारी रहने वाली है। कुछ और तकनीकी बातें भी जो ध्यान में आती हैं कि समय से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होना चाहिए। देखने में आ रहा है कि परसों रात की बात करें या उसके पहले की रात की बात करें, कल रात की बात करें, ये जो पीक डिमांड है 27,611 तक गई है इस सीजन में, और वो पीक डिमांड 4-5 घंटे लगातार मेंटेन हो रही है। मतलब ये कि बिजली की खपत बहुत ज्यादा हो रही है और उस बिजली की खपत को, बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। ये एक ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी डिमांड है। इस चुनौती को, इस काम को हम लोग मुस्तैदी से करने में हमारा पूरा प्रयास है
हमारी विद्युत विभाग की सारी टीमें, सभी हमारी कर्मी, सभी हमारे अधिकारी अपने अपने काम पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। मध्यांचल की जहां तक बात है, लखनऊ चूंकि राजधानी क्षेत्र है, मैं पिछली साल भी लगभग इसी समय इसी कक्ष में, इसी कमरे में आकर के लखनऊ की बिजली की परिस्थिति की मैंने समीक्षा किया था। उसके बाद कई सूचनाएं दी गई थी, कई निर्देश दिए गए थे, कई काफी सुधार भी हुए थे। वर्तमान में एक बार फिर जब चुनौती आई है तो मेरा मन हुआ कि एक बार फिर लखनऊ के अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठा जाए, कहां कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है, उन सारी बातों को देखा जाए। वर्तमान में सही समय पर उससे उसका तेल पड़ना चाहिए, ये सारी बातें भी आज की मीटिंग में हमने यहाँ के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये भी सख्त निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार होना चाहिए, उनका फोन आवे तो उठना चाहिए, कहीं किसी उपभोक्ता को व्यवहार के चलते कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई बेईमानी का बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आज की इस मीटिंग में हुई है और मैं पिछली साल भी इस कक्ष में, इस रूम में आकर के अपने अधिकारी और कर्मचारी मित्रों को मिला था। एक साल बाद आज पुनः मिलना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग मिलकर के, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे समाज के अग्रणी हों, चाहे गांव के लोग हों, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए के प्रयास में हमारे विभाग का, हमारे कर्मचारियों का सहयोग करें।